दोस्तों अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अपनी खूबसूरत आवाज के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हुई पश्चिम बंगाल की रानू की जिंदगी में अभी हाल ही में एक और खुशी का मौका आया है। रेलवे स्टेशन पर गाना गाने के 2 मिनट के वीडियो से स्टार बनी रानू को 10 साल बाद अपनी बिछड़ी हुई बेटी भी मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, 10 साल बाद मिली अपनी बेटी से मुलाकात करके रानू और उनकी बेटी दोनों ही बेहद खुश दिखाई दिए। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा जहां पर एक बुजुर्ग पागल सी महिला लता मंगेशकर जी का एक मशहूर गाना एक प्यार का नगमा है गा रही थी और उसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि लोग उसके दीवाने बन गए। कुछ लोगों ने उसी वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया जिसकी वजह से यह महिला रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। इसी महिला का नाम रानू था और यह पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। जैसे ही रानू का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इनकी बेटी को भी इसकी सूचना मिली जो कि 10 साल पहले इनसे बिछड़ गई थी। अब उनसे वह मिल गई है और वो दोनों बेहद ही खुश हैं। रानू और उनकी बेटी बीते 10 साल से संपर्क में नहीं थे, ऐसे में माँ बेटी को मिलवाने में रानू के गाने वाले इस वीडियो की काफ़ी मदद मिली। वीडियो वायरल होने के बाद रानू की बेटी ने उनसे घर आकर मुलाकात की। बेटी के आने से रानू अब खुशी से फूले नहीं समा रही हैं। रानू की आवाज़ लता मंगेशकर से मिलती जुलती है। ऐसे में जब बेहद गरीब दिख रही महिला की वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद महिला की ज़िंदगी बदल गई। हाल ही में उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें दिख रहा है कि उनका पूरा मेकओवर कर दिया गया है। नई तस्वीर में उन्होंने गुलाबी रंग की सिल्क की साड़ी पहनी हुई है। रानू के टैलेंट को जानकर कुछ लोगों ने उनका ये मेकओवर एक शो के लिए किया है। इस शो को एग्जीक्यूटिव ने स्पॉन्सर किया है। महिला अपने पति की मौत के बाद पश्चिम बंगाल के राना घाट पर रोज आने वाले यात्रियों के लिए गाना गाकर अपनी रोजी रोटी चलाती थी। अब कई जगहों से उसे गाने के ऑफर मिलने लगे हैं। सुनने में तो यह भी आया है कि बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर शंकर महादेवन रानू के साथ एक गाने का एल्बम भी बनाने वाले हैं। तो दोस्तों इस बुजुर्ग महिला के बारे में आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।